हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक और देखिए यहाँ पे है ना निफ्टी का मैनी टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है। अभी इस वक्त चलते हैं दूसरे चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सॉरी, देखिए बैंक निफ्टी में आज गिरावट आई है तकरीबन 1100 पॉइंट की। यहाँ से आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ से 1100 पॉइंट की गिरावट, तकरीबन तकरीबन यहाँ से 1100 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आ चुकी है। और तकरीबन तकरीबन निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं एक बार। निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं। सॉरी, निफ्टी में आ चुकी है तकरीबन 490 पॉइंट की गिरावट आई है। और यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर तो रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। अब मेरा ट्रेड लेने का कोई वैसे इरादा वरादा है नहीं। आप देख सकते हैं टाइम भी हो चुका है, 2 बजने वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड की मूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि तो अब जो सेलिंग चल रही है कंटिन्यू, कहीं तो बैंक में बदलेगी, लेकिन श्योर नहीं है इस चीज को लेकर। आज मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश है तो इसलिए श्योर भी नहीं है। बाकी देखिए, जब आप लोग ट्रेड कर लो या मार्केट कुछ स्टेप्स रहे जिसमें है ना आपको लॉस होने के चांस ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए कोई बायर हो, अब वो बाइंग करा जा रहा है, बाइंग करा जा रहा है, बहुत से ट्रेड होते हैं बाइंग करा जा रहा है, तो उसका यहाँ पर लॉस बार बार हो रहा होगा। तो देखिए एक दो ट्रेड लीजिए, लॉस हो जाए कोई बात नहीं, फिर अपना यूट्यूब खुल के बैठ जाइए आराम से, जैसे मैं खुल के बैठ गया हूँ, और यहाँ पे अपने आराम से वीडियोज देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे देख के टाइम पास कर लीजिए, ट्रेड जबरदस्ती लेने की कोशिश मत करो जब नहीं मिल रही, तो कोई कोई मतलब इसमें आपका ही लॉस है, पैसा बचा के रखिए ताकि आगे जाके काम आए, कल काम आए। बाकी मैं आपको दिखा दूं अपना आज का चार्ट, अपना आज का प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मेरा 10,500 के आसपास का है। पोजीशन में चलते हैं, 10,500 के आसपास का मेरा चल रहा है प्रॉफिट टोटल। मुझे लॉस भी हुए हैं, प्रॉफिट भी हुए हैं, लेकिन मुझे समझ में आया कि मार्केट फुल बेयरिश है, तो मैंने इसमें पुट में ट्रेड ढूंढना शुरू कर दिया। और देखिए जिसमें मेरा 15,550 की पी मेरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, 6,700 के आसपास। 2,332 का प्रॉफिट मुझे 15,700 की पीई में हुआ है, 15 पीई में सीई में हुआ है, और 15,700 की पीई में मुझे 1,800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। मतलब प्रॉफिट मेरा पीई में ज्यादा है और लॉस मेरा सीई में हुआ है, बाकी एक आध सीई में मेरा प्रॉफिट भी हुआ है यहाँ पर, और एक आध सीई में मुझे यहाँ प्रॉफिट भी हो रखा है। बाकी देखिए जब ट्रेड मिले तो ही ट्रेड लो, जबरदस्ती ट्रेड मत लो, मेरा मानना यही है, यही मैं समझाता हूँ, यही मैं बता रहा हूँ। कोशिश करिए खुद पर कंट्रोल करने की, मैं भी आज तक कोशिश ही कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, कोशिश मैं भी करता हूँ, बाकी जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला भाइयों। इसलिए बिना कोशिश के कुछ नहीं रखा, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो कोई भी और भी स्टॉक हो, चाहे वो कोई और भी काम हो, उसमें भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। सो गाइस टुडे माई डन, और होपफुली आप लोगों का नुकसान नहीं हुआ होगा। जिन्होंने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, उन्होंने सभी वीडियो, उन लोगों को अगर समझ में आया होगा कि कहाँ पे पुट बाई करनी है, तो 110% उनका प्रॉफिट हुआ होगा, 110% का प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर कट मैंने बोला था आप लोगों को, मैं बताऊं दिखाता हूँ यहाँ पर, क्लियर कट मैंने बोला था कि मार्केट अगर इससे ब्रेक करता है तो वन वे नीचे जाएगा, बहुत बड़ा फॉल देखने को आएगा। और देखिए वन वे फॉल आया है, मैंने यहाँ पे पुट शॉर्ट की थी, जो पुट में मैं दिखा रहा हूँ आपको प्रॉफिट, वो प्रॉफिट मेरा पुट में यहाँ पे हुआ है, मैंने उसको यहाँ पे कहीं कैप्चर कर रखा है, तो वन वे फॉल आया है यहाँ पे। बाकी जो मेरा सीई में मेरा प्रॉफिट हुआ था, तो मैं आपको अपनी सीई में प्रॉफिट दिखा दूँ। तकरीबन मैंने जो सीई में प्रॉफिट बुक किया है, आई थिंक मैंने यहाँ बुक किया है वो प्रॉफिट सीई में 9:25 के आसपास। नहीं, यहाँ बुक नहीं किया है मैंने वो, यस यस मैंने यहाँ बुक किया है वो 10 बजे के आसपास, मैंने वो प्रॉफिट बुक किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 10 बजे के आसपास बुक किया है वो प्रॉफिट। बाकी मुझे याद नहीं है मैंने एग्जैक्ट ट्रेड कहाँ ली थी, बाकी टाइम में देख के पता चल जाएगा। हाँ तो बस यही है कि आप लोग जरा ट्रेड संभाल के लीजिए, अगर मैं कोई एनालिसिस वीडियो डाल रहा हूँ तो उसको समझिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। ये लेवल क्लियर करता है यहाँ पर, जिन लोगों ने शॉर्ट मारा, तो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला है, रीटेस्ट करने की भी कोशिश नहीं हुई, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट मिला, जैसे ही इसने ब्रेक दिया इसको मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बना ली थी नेक्स्ट कैंडल पे, और फिर मैंने तकरीबन यहाँ तक इसे होल्ड किया है। कोई मुझे पता था एक छोटा सा रीटेस्ट करके, हल्का सा यहाँ पे रीटेस्ट करके नीचे जा सकता है, यहाँ का लेवल का रीटेस्ट तो खैर बनता नहीं, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बाय सेलर बहुत एक्टिव थे। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप
आप लोगों को मेरा एनालिसिस समझ में आता होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो थैंक यू एंड बाय बाय। कोई ट्रेड लेने की कोशिश करना मत, ना मैं लूंगा ना आप लीजिए।